हेलो एवरीवन, टॉप डाउन एंड बॉटम अप पार्सिंग, इनको हम विद एग्जांपल समझेंगे आज कि टॉप डाउन पार्सिंग कैसे होती है और बॉटम अप पार्सिंग कैसे होती है। टॉप डाउन पार्सिंग में हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं, फिर उस डेरिवेशन का ट्री बनाते हैं, और बॉटम अप में हम राइट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं, फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन का हम रिवर्स में ट्री बनाते हैं। ठीक है, सो हम सबसे पहले टॉप डाउन पार्सिंग करते हैं, यानी ये हमारे पास एक ग्रामर है। ठीक है, हमने इस ग्रामर से इस स्ट्रिंग को ड्राइव करना है। अब इस स्ट्रिंग को हम अगर टॉप डाउन पार्सिंग कर रहे हैं तो हम इस स्ट्रिंग को लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से ड्राइव करेंगे। सो हम सबसे पहले तो इस ग्रामर के थ्रू हम इस स्ट्रिंग को ड्राइव करते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से, फिर हम इसका ट्री बनाते हैं। तो आइए हम ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रूल उठाता हूँ। तो फर्स्ट रूल क्या है, e प्लस e। ठीक है, e से हम e प्लस e को ड्राइव कर रहे हैं। तो हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इस e को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस e को हम रिप्लेस करते हैं e मल्टीप्लाई बाय e से, क्योंकि हमें a मल्टीप्लाई बाय b चाहिए। सो हमने इस e को e मल्टीप्लाई बाय e से रिप्लेस कर दिया। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है तो सबसे पहले हमें इस e को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस e को हम किस चीज से रिप्लेस करें, तो इस e को हम किस चीज से रिप्लेस करें, इस e को हम a से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग है उसमें सबसे पहले a आ रहा है, तो हम इस e को a से रिप्लेस करेंगे। तो हमने e को a से रिप्लेस कर दिया। अब हम इस e को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, हम इस e को रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर इस e को हम रिप्लेस करेंगे तो ये राइट मोस्ट डेरिवेशन हो जाएगी। तो हमने इस e को रिप्लेस करना है, तो इस e को हम किस चीज से रिप्लेस करें, क्योंकि हमें b चाहिए, तो हम लास्ट रूल से इस e को रिप्लेस करेंगे। लास्ट रूल से हमने इस e को रिप्लेस कर दिया। अब हम इस e को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस e को हम किस चीज से एक्सपेंड करें, हम इसको सेकेंड रूल से एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि हमें a मल्टीप्लाई बाय b चाहिए। तो इस e को हमने e मल्टीप्लाई बाय e से रिप्लेस कर दिया। अब हम इस e को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस e को हम किस चीज से रिप्लेस करें, हमें a चाहिए, तो हम इस e को a से रिप्लेस करेंगे। तो हमने इस e को a से रिप्लेस कर दिया। अब हम लास्ट e को रिप्लेस कर सकते हैं, तो लास्ट e को हम रिप्लेस करेंगे b से, क्योंकि हमें b चाहिए। तो लास्ट e को हमने b से रिप्लेस कर दिया। अब हमारी जो स्ट्रिंग है वो ड्राइव हो गई है, हमने इस ग्रामर के थ्रू इस स्ट्रिंग को ड्राइव कर लिया है, जो हमारी डिजायर्ड स्ट्रिंग थी, और हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से इसको ड्राइव किया है। अब हम इसका ट्री बनाएंगे, और वो ट्री हमारा टॉप डाउन ट्री बनेगा, क्योंकि हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की है। सो ट्री बनाते हैं हम इसका। सबसे पहला रूल हमने ई प्लस ई उठाया था, तो ई से हमने ई प्लस ई को ड्राइव कर लिया। अब हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, तो हमने इस e को रिप्लेस करना है। तो इस e को हमने यहाँ पे किस चीज से रिप्लेस किया था, e मल्टीप्लाई बाई e से। तो इसको हम e मल्टीप्लाई बाई e से रिप्लेस करेंगे। तो इस e को हमने e मल्टीप्लाई बाई e से रिप्लेस कर दिया। अब हम इस e को a से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमने डेरिवेशन में इस e को a से रिप्लेस किया था। तो इस e को हमने a से रिप्लेस कर दिया। अब हम इस e को b से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि हमने इस e को b से रिप्लेस किया था। तो इस e को हम b से रिप्लेस करते हैं। तो इस e को हमने b से रिप्लेस कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया था कि इस e को एक्सपेंड किया था e मल्टीप्लाई बाई e से। तो हम इस e को e मल्टीप्लाई बाई e से एक्सपेंड करते हैं। तो इस e को हमने e मल्टीप्लाई बाई e से रिप्लेस कर दिया। अब हम इस e को a से रिप्लेस करेंगे, और इस e को हम b से रिप्लेस करेंगे। तो इस e को हम a से रिप्लेस करते हैं। तो इस e को हमने a से रिप्लेस कर दिया, और इस e को हमने b से रिप्लेस कर दिया, और हमारी जो स्ट्रिंग है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय b ड्राइव हो गई है। और इस ट्री के थ्रू भी हमने उसको ड्राइव करके दिखा दिया है कि ट्री में हम इस जो ये जो डेरिवेशन है उसको कैसे शो करेंगे। तो हमने उसका ट्री बना दिया है, और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू हमने इस स्ट्रिंग को ड्राइव किया था, और टॉप डाउन पार्सिंग के थ्रू हमने इसको डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, राइट। तो अब हम बॉटम अप पार्सिंग की बात करते हैं कि बॉटम अप पार्सिंग में क्या करते हैं हम, और कैसे उसका ट्री बनाएंगे हम।
सो बॉटम अप पार्सिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम राइट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं। सो हम इन ग्रामर के रूल्स के तहत इसी स्ट्रिंग को ड्राइव करेंगे और राइट मोस्ट डेरिवेशन से ड्राइव करेंगे। सो सबसे पहले हम फर्स्ट रूल उठाते हैं, सो ई प्लस ई। अब क्योंकि ये राइट मोस्ट डेरिवेशन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस ई को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इस ई को हम किस चीज से रिप्लेस करें, हम सेकेंड रूल से इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। एक्सपेंड या आप रिप्लेस जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। इससे हम रिप्लेस या एक्सपेंड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ए मल्टीप्लाई बाय बी चाहिए। सो हमने इस ई को ई मल्टीप्लाई बाय ई से एक्सपेंड कर दिया है। अब हम इस ई को रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस ई को हम किस चीज से रिप्लेस करें। यहाँ पे आप देखें हमें बी चाहिए, तो हम लास्ट रूल उठाएंगे और इस ई को बी से रिप्लेस कर देंगे। तो हमने ई को बी से रिप्लेस कर दिया, अब हम इस ई को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस ई को हम ए से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ए चाहिए, तो हमने ई को ए से रिप्लेस कर दिया। अब हम इस ई को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इस ई को हम किस चीज से एक्सपेंड करें, हम ई को ई मल्टीप्लाई बाय ई से एक्सपेंड करेंगे सेकेंड रूल से, क्योंकि हमें यहाँ पे फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी चाहिए। तो हमने ई को ई मल्टीप्लाई बाय ई से एक्सपेंड कर दिया, अब हम इस ई को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस ई को हम रिप्लेस करते हैं बी से, क्योंकि हमें बी चाहिए। सो लास्ट में हम इस ई को ए से रिप्लेस कर देंगे और हमारी स्ट्रिंग ड्राइव हो जाएगी। सो हमने ये लास्ट ई को ए से रिप्लेस कर दिया और हमने ये स्ट्रिंग ड्राइव कर ली है राइट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू। अब हमने इसका ट्री बनाना है, लेकिन ट्री बनाना है रिवर्स ऑर्डर में, यानी यहां से हम स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। इसी को ही हम बॉटम अप पार्सिंग कहते हैं। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं। सो आइए इसका ट्री बनाते हैं और देखते हैं कैसे ट्री बनेगा इसका, कि हम नीचे से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस एक्सप्रेशन को मैंने लिख लिया है, थोड़ा सा मैंने इसको एक्सपेंड करके खुला खुला करके लिखा है, ताकि हम आसानी से इसका ट्री बना सकें। ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी। सो आइए हम देखते हैं और बनाते हैं हम इसका बॉटम अप ट्री, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस ए को क्या हम किसी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको रिड्यूस करते जाना है, ठीक है, ऊपर रूट तक पहुंचना है। तो इस ए को हम थर्ड रूल के तहत ए को ई से रिप्लेस कर सकते हैं, और इस बी को हम फोर्थ रूल के तहत बी को भी ई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम ए और बी को ई ई से रिप्लेस करते हैं। सो हमने ए को ई से रिप्लेस कर दिया और बी को भी ई से रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास ई मल्टीप्लाई बाय ई है, ठीक है, और ऐसा ही हम इस तरफ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए है और मल्टीप्लाई है और बी है। सो ऐसा ही हम इस तरफ भी करते हैं। सो हमने इस ए को भी ई से रिप्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, और इस बी को हमने ई से रिप्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल। तो यहाँ पे भी ई मल्टीप्लाई बाय ई बचा है और यहाँ पे भी ई मल्टीप्लाई बाय ई बचा है। तो क्या हम ई मल्टीप्लाई बाय ई को रिप्लेस कर सकते हैं ई से? डेफिनेटली हम ई मल्टीप्लाई बाय ई को रिप्लेस कर सकते हैं ई से। तो हम ई मल्टीप्लाई बाय ई को ई से रिप्लेस करते हैं। सो हमने ई मल्टीप्लाई बाय ई को ई से रिप्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल, ठीक है। तो अब हम ई मल्टीप्लाई बाय ई, यानी यहाँ पे जो ई मल्टीप्लाई बाय ई है, इसको भी हम ई से रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल। सो हम इसको भी ई से रिप्लेस करते हैं। सो इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सी चीजें बची हैं, ई, ठीक है, और प्लस ई, ठीक है। तो इस प्लस पे मैं थोड़ा सा एरो लगा दूं, ताकि थोड़ा सा आसानी से समझ में आए, ई प्लस ई। तो अगर हम देखें तो ई प्लस ई को हम किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, तो हम ई प्लस ई को रिप्लेस कर सकते हैं ई से, ठीक है। तो हम ई प्लस ई को ई से रिप्लेस करते हैं। सो हमने ई प्लस ई को ई से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा ये एक बॉटम अप ट्री बन गया है। अगर आप इस डेरिवेशन को देखें तो ये डेरिवेशन भी बिल्कुल इसी तरह हुई हुई है। अगर हम नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे
तो बिल्कुल इसी तरह से ये डेरिवेशन हुई। आप देखें यहाँ पे हमने a मल्टीप्लाई बाय b को a मल्टीप्लाई बाय b हमने क्या किया था, इसको e को एक्सपेंड किया था a मल्टीप्लाई बाय b से, ठीक है। और यहाँ पे भी a मल्टीप्लाई बाय b है, यहाँ पे भी हमने e को e मल्टीप्लाई बाय e से एक्सपेंड किया, तो हमारी एक्सप्रेशन a मल्टीप्लाई बाय b बनी थी। तो हमने यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b को मिनिमाइज कर दिया था e मल्टीप्लाई बाय b से, फिर e मल्टीप्लाई बाय e को मिनिमाइज किया था e से, और यहाँ पे भी हमने ऐसा ही किया था। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये एक बॉटम अप ट्री बन गया है जो हमने इस एक्सप्रेशन से बनाया है, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये ट्री कैसे बना है। आसान सा है, आपने क्या करना है कि जो स्ट्रिंग है उसको ड्राइव करना है राइट मोस्ट डेरिवेशन से, और रिवर्स ऑर्डर में आपने उसका ट्री बना देना है, तो आपका बॉटम अप ट्री बन जाएगा, या आप इसको बॉटम अप पार्सिंग कह सकते हैं और इसको हम टॉप डाउन पार्सिंग कह सकते हैं। सो ये दो चीजें थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।